नच बलिए सीजन 8 में विवेक ने लगा दी है सबकी वाट। जी हाँ, टॉप 3 जोड़ियों के साथ नच बलिए ट्रॉफी जीतने के लिए विवेक ने जो अपने डांस का दम दिखाया वो काबिले तारीफ था। नच की ट्रॉफी जीतने के बाद इन दोनों ने यूमी और टीवी से की खास बात। दिव्यंका विवेक ने यूं तो करोड़ों दिल जीते हैं और आज एक और खिताब जीत लिया है नच बलिए 8। फर्स्टली कंग्रेचुलेशन गाइस। थैंक यू वेरी मच। हार्ड वर्क आई गेस बहुत ही प्यारे तरीके से आपके पास वापस आई, कह सकते हैं जी। यकीन नहीं हो रहा है कि हम नच बलिए 8 के विनर्स हैं। आप हमारा नाम इतिहास में हमेशा रहेगा, क्या आपको यकीन हो रहा है इस बात का? आई नो अभी तक नहीं हो रहा है, सिंकिंग नहीं हो पाया अभी, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा जैसे वक्त गुजरेगा तो पता चलना लगेगा कि हाँ वी रियली डन इट। यकीन नहीं हो रहा है तो ट्रॉफी है, आप देख के शायद यकीन कर सकते हैं कि हाँ आपके हाथ में है ये ट्रॉफी। बहुत देर से होल्ड करके रखा हुआ था और मैं फील कर रहा था, और ये ट्रॉफी वही ट्रॉफी है जो पिछले कई हफ्तों से वहाँ पर सजा के रखी हुई थी, लेकिन मैं इससे नजरें चुराता था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं ज्यादा इसके ऊपर नजर डालूंगा तो अट्रैक्ट हो जाऊंगा और फिर मेरा चाहत इसकी तरफ और ज्यादा हो जाएगी, और अगर मैं हार गए तो फिर थोड़ा बुरा लगेगा, तकलीफ होगी। पर अब फाइनली हमारे पास है। अब मैं तो ये सोच रही हूँ इसके लिए घर में जगह बनानी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी सुंदर सी। ओके, इसके लिए बहुत मेहनत की है। नॉन डांसर से डांसर तक का ये पूरा सफर कैसा रहा आप दोनों का? बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत खूबसूरत। हमें मालूम नहीं था कि हम इतने दूर तक आ जाएंगे। हमारे लोगों को हम पर भरोसा था, सब हमसे कह रहे थे कि नहीं अरे आप लोग कर लोगे, लेकिन बिगनिंग में तो हमें लगता था कि हमारे दोनों पांव लेफ्ट लेग्स हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं ना। सो जैसे तैसे लेफ्ट दोनों लेग्स को हटा के हमने एक लेफ्ट एक राइट किया, सिंक में आए, हम दोनों ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर नाचना सीखा, एंड आई थिंक अब हम कदम से कदम मिला के बहुत लंबी जिंदगी बहुत खूबसूरती से तय करने वाले हैं। तो विवेक ये दिन आ सकता है शायद, आगे हम उम्मीद करें कि आप कोरियोग्राफर के तौर पर दिखे। कोरियोग्राफर के तौर पे हाँ, मैं बर्थडे पार्टीज वगैरह पे अभी मैं सोच रहा हूँ कि नाचना शुरू कर दूँ। नाचना नहीं तो नचाना, छोटे छोटे बच्चों को मैं कर सकता हूँ, इतना तो अभी केपेबल हो गया हूँ कि 5, 6, 7, 8। इस पूरे जर्नी में आपके बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, कभी कमेंट्स कम मिले हैं तो कभी डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ा है, तो दोनों ने साथ में मिलकर कैसे ये पूरे चीज को ओवरकम किया है? कुछ नहीं, अभी जीत गए हैं, क्या फर्क पड़ता है, डज इट रियली मैटर, जाने दो ना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर होल्डिंग दिस एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, एंड वी आर अ टीम। हम लोग एक टीम की तरह रहे हमेशा एक साथ, और हम ये मालूम था कि हमारे लिए एंड रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए जल्द से जल्द अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको यहाँ तक पहुँचा और ये ट्रॉफी दे दी है? बोलो जो आर डियर फैंस, वी बोथ लव यू सो मच। ये ट्रॉफी जो है हमने स्टेज पर भी कहा और हम अभी भी कह रहे हैं, हम आपको डेडिकेट करते हैं। हमारे हमेशा आप ही की रहेगी, हमारे सिर्फ हमारे घर में सजी रहेगी, लेकिन ये है आप लोगों की ट्रॉफी, और दिल से ऑनेस्टली थैंक यू सो मच, आई फील अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। You have pushed us, you have motivated us. अगर कभी हम लोग की हिम्मत टूटने लगती थी, जिस जो आपने सवाल पूछा, वहाँ जो उस पार लोग बैठे होते हैं टीवी के, उन लोगों के हमें उन लोगों का जो प्यार मिल रहा था और एक्सपेक्टेशन मिल रहे थे, उसके कारण आज हम इस तक पहुँचे हैं। आपने हमें धक्का दिया है यहाँ तक आने के लिए, सो थैंक यू। चलिए थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। कैमरामैन लांचन के साथ ज़ारा खान, E24 मुंबई।